हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। आज 4 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जीके। साथियों, आज कप की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं आपको आज का करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। क्वेश्चन संख्या 1, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो किस राज्य में एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी केरल में। साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है जो कि कर्नाटक में, और इसरो के जो अध्यक्ष हैं वह के सिवान, उन्होंने तमिलनाडु राज्य के तूतुकुड़ी जिले में 2300 एकड़ क्षेत्र में एक नए उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र को स्थापित करने का निर्माण शुरू किया है। साथियों, इसका सही उत्तर जो है वह बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कितने वैज्ञानिकों को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14। 14 वैज्ञानिकों को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की है। अब इन्हें यह उपाधि जो मिली है, इन्हें यह उपाधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दी गई है। इनको प्रति माह ₹25,000 मिलेगा। इसके साथ ही साथ इन्हें 5 साल के इस फेलोशिप के लिए ₹5,00,000 भी दिए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या है? युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को वित्तीय स्वतंत्रता के साथ अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, इनमें से किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर सीपी ठाकुर, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी पीयूष जायसवाल और ऑप्शन डी रवि किशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें पटना में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया, और इसके अलावा पीयूष जायसवाल को अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस के अवसर पर वैश्विक शांति उत्कृष्टता मानवतावादी पुरस्कार 2019 के मानवीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए निर्भया, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी समलता, ऑप्शन डी दामिनी। यूपी पुलिस ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दामिनी। दामिनी एक कॉलिंग एवं व्हाट्सएप सेवा है जिसका की नंबर है 8114277777। यानी कि हेल्पलाइन जो महिला यात्रियों के लिए समर्पित की गई है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने, उसका हेल्पलाइन नंबर है
8114277777। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, कौन सा राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य बना है, यानी कि जिसने CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया है और विरोध के में एक प्रस्ताव जो पास किया है वो कौन सा राज्य है, पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल राज्य पहला राज्य बना है जिसने कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव जो था वह मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस बिल को सदन में पेश किया और विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी के साथ भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे NULM के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए सामान की बिक्री के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी क्लब फैक्ट्री, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी मिंत्रा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट। इस योजना के तहत देश में 44 लाख जो महिलाएं हैं उनके स्वयं सहायता समूह से महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, 5वीं राष्ट्रीय आइस चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ कहां हुआ है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी लेह लद्दाख। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लेह लद्दाख में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बगदाद में हुए अमेरिकी हवाई हमले में किस देश के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी अमीरात। और इसका राइट आंसर है ईरान के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई है। और सुलेमानी की मृत्यु की खबर आते ही तेल की कीमतों पर 4% की से अधिक की वृद्धि कर दी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स GK। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF जरूर डाउनलोड करें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।